गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें कुछ मेथड्स हैं। देखो क्या क्या मेथड हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशंस आर डिस्कस्ड हियर इन द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कुछ मेथड हैं जो आपको फॉलो करने हैं। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, डिनोट द अननोन क्वांटिटी बाई एक्स एंड वाई। एक्स और वाई से आप लोग डिनोट करोगे, किसी भी एक से, एक्स या फिर वाई से। उसके बाद यूज द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम टू इस्टेब्लिश इन अननोन क्वांटिटी। आपके क्वेश्चन में जो जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप एक अननोन क्वांटिटी इस्टेब्लिश करोगे। उसके बाद यूज द इक्वेशन टू इस्टेब्लिश वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करोगे, उसके बाद एक इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। देन सॉल्व द इक्वेशन टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अननोन। उसके बाद जब आपकी इक्वेशन बन जाएगी तो आप उसको बाई स्पीड नंबरियल टर्म से आप लोग उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो कुछ पे कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 50, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या यूज किया है, लेट वन नंबर एक्स, आपका एक नंबर क्या हो गया, एक्स हो गया। दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 27 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, आपके यहाँ पे क्या दे रखा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 27, आपका एक नंबर क्या हो गया, एक्स हो गया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स ही मान सकते हो, ठीक है। या फिर आपने एक नंबर एक्स माना है तो दूसरा क्या मान सकते हो, भाई दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 50 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 50 बाई एक्स, ठीक है। तो दोनों सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से सॉल्व किया हुआ है। देखो तो नंबर पहला हो गया x, तो दूसरा क्या हो गया, 50 बाई एक्स, ठीक है, 50 बाई एक्स हो गया। तो अब दोनों का जो सम है, यानी कि एक नंबर आपका x, दूसरा नंबर आपके पास क्या है, 50 अपॉन x, दोनों का सम कितना हो गया, 27। अब क्या किया, इसके नीचे 1 माना, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम को क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 50 अपॉन में x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27x, ठीक है। अब इस 27x को इस साइड ले गए तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 27 प्लस 50 इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखोगे आपकी ये क्वाड्रेटिक आ गई। अब क्या करोगे, कल बताया था फैक्टर, भाई 50 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 50 के फैक्टर हो सकते हैं 10 इंटू 5 या 25 इंटू 2, ये हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सम हमें कितना चाहिए, भाई प्लस है, तो सम चाहिए कितना हमें, 27। तो इन दोनों का सम कितना है, 27। तो क्या किया, स्प्लिट, इसको स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 2 एक्स और प्लस का 50। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन ये बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 2x प्लस 50। तो सॉल्व करोगे तो आपका ये फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 25 और x माइनस 2, तो एक वैल्यू क्या हो गई, x की आ गई 25, एक वैल्यू क्या आ जाएगी, x की 2, ठीक है। तो आज यहाँ से आप देखो दो आपकी वैल्यू आ गई, दो नंबर आ गए आपके पास, 25 और 20। चेक भी कर सकते हो, देखो दोनों का सम कितना है, 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 27, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50। तो आपका आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। रेक्टेंगल आपका ये होता है, ये आपकी लेंथ और ये आपकी ब्रेड्थ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लेट किया ब्रेड्थ को, क्योंकि हमें कंपेयर दे रखा है किसका, लेंथ का कंपेयर दे रखा है ब्रेड्थ से, तो हमने ब्रेड्थ को लेट किया एक्स। तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, 5 मोर है, तो मोर के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं, तो एक्स प्लस 5। अब दोनों का एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया होता है, एरिया में कितना गिवन है, 50 गिवन है। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी इक्वल टू 50, एल हमारे पास एक्स प्लस 5, ब्रेड्थ कितनी है 5, सॉरी एक्स इक्वल टू 50, करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। देखो ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50। अब फिर से वही फैक्टर करोगे तो फैक्टर होंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10 और x माइनस 10। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई माइनस का 10 और एक आ गई 5। अब देखो लेंथ या ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए ये वाला आंसर आपका x इक्वल टू माइनस 10 आपका इम्पॉसिबल है। तो आपकी विड्थ क्या हो जाएगी, जो आपका पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू 5 आपकी विड्थ हो गई। लेंथ आपने क्या मानी थी, लेंथ आपने मानी थी
एक्स प्लस फाइव, तो क्या हो जाएगा, फाइव प्लस फाइव कितना आ गया आपके पास, टेन। तो आपकी लेंथ आ गई टेन और ब्रेथ आपके पास आ गई फाइव सेंटीमीटर। एक और एग्जाम्पल, द थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर एक्स, एक्स प्लस वन एंड फाइव, फाइंड एक्स एंड द एरिया इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज फाइव। चलो लॉन्गेस्ट साइड सबको पता होगी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है आपका, हाइपोटेनियस होता है, कितना है आपके पास, फाइव। ठीक है, ये आपका राइट एंगल हो गया नाइन, ये आपकी होती है पी और ये आपकी होती है बी। चलो बेस को हम लोग मान लेते हैं एक्स, पी हमने मान लिया कितना, एक्स प्लस वन। ठीक है, अब सबको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, पाइथागोरस लिखा हुआ है, देखो पाइथागोरस थ्योरम। तो अब पी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो अब स्क्वायर ओपन कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 25 सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ गई है टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 24। देखो यहाँ पे आपका टू कॉमन आ रहा है, जब भी इक्वेशन में कुछ भी कॉमन आया करे तो आप उसको कॉमन निकाल के जीरो में भेज दिया करो, जिससे आपकी क्या होगी इक्वेशन सिंपल हो जाएगी, सिंपल होगी तो 12। अब देखो माइनस के 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 और 3, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो फिर से वही एक्स की वैल्यू माइनस 4 और एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो माइनस 4 तो आपका आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो गया 3। अब एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो पी हमारा कितना हो गया, हमारे पास पी कितना हो गया, एक्स प्लस 1 तो 4 हो गया और ये कितना हो गया 3। अब सबको पता है एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है 3 इंटू 4, पुट कर दोगे 2 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 3 टू या 6, तो 6 सेंटीमीटर आपका एरिया आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 24, सेम उसी तरह जैसे पहले एग्जांपल था, अगर एक आपका x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 24 बाई एक्स, फिर भाई दोनों का सम, सम नहीं दे रखा यहाँ पे, क्या दे रखा यहाँ पे, दे रखा है मीन। मीन क्या होता है, मीन होता है टोटल नंबर जो भी आपके हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू का दो हैं तो दोनों का सम डिवाइड बाई टू, ये मीन होता है। ठीक है, तो क्या किया, दोनों को सम और डिवाइड बाई टू किया तो इक्वल टू आ गया 5, इक्वल टू 5 आ गया। अब फिर से भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही तो बनेगी इक्वेशन, एक्स प्लस 24 अपॉन एक्स अपॉन बाई टू इक्वल टू किसके है, 5 के, तो ये 2 कहाँ जाएगा, 5 में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x प्लस 24 अपॉन x इक्वल टू 10, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू 10x, फिर से भाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे, ये माइनस का 10x इक्वल टू प्लस 24, क्योंकि 10x को इस साइड लेके आओगे तो माइनस का आ जाएगा। फिर से फैक्टर करोगे तो x वैल्यू 6 और x की वैल्यू 4। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, द सम ऑफ नंबर इज 9, सम ऑफ नंबर, दो नंबर हमने लेट कर लिए x और y, तो सम कितना हो गया x प्लस y इक्वल टू 9। चलो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, या फिर नंबर आप यही मान सकते हो क्या, एक x हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 9 माइनस x। चलो हम लोग इससे करके देखते हैं, x और ये 9 माइनस x है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, नंबर का स्क्वायर, तो एक नंबर x है एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर क्या है 9 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके है 41 के। ठीक है, देखो ये सॉल्व भी किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 41, फिर क्या किया इसका स्क्वायर खोल दिया, जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ से देखो ये आ गया, फिर से देखो सॉल्व करने पे 41 को इस साइड ले जाओगे तो 81 से 41 माइनस हो गया तो कितना बचा 40, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20, फिर से वही फैक्टर करोगे तो x माइनस 5 और x माइनस 4, तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 5 और एक आ गई 4। ठीक है, तो जब x वैल्यू एक बार जब 5 लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार जब 4 लोगे तो y की वैल्यू एक और आ जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 एंड 5 या फिर 5 और 4, आपके दो नंबर कोई भी हो सकते हैं 4 एंड 5 या फिर आपके पास 5 और 4। ठीक है, ओके, थैंक यू।